प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे, मॉड्यूल 5, जो कि आपका चैप्टर का नाम था एस्टिमेशन। तो इसमें हम लोग अब बात करेंगे कंप्लीट एस्टिमेट क्या होता है। तो कंप्लीट एस्टिमेट में हम लोग जो है लैंड का कॉस्ट, कंटीजेंसी जो कि 3 से 5%, लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन चारों को लेकर चलते हैं तो हमारा जो है कंप्लीट एस्टिमेट जो है तैयार होता है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड होता है वो कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स, ब्रोकरेज इफ एनी, अगर कोई ब्रोकरेज है तो उसका भी कॉस्ट। तो इन तमाम कॉस्ट को जो है कॉस्ट ऑफ लैंड में हम लोग जो है लेकर चलते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो है लेबर का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, कंसल्टेंटिंग इंजीनियर का फी, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, आपका ब्रिक लेयर्स, मेसन, पेंटर, ये सारे आते हैं। बात किया जाए आपका स्किल्ड लेवर में तो वो आपका आता है मेसन और कारपेंटर, कूलीज और विस्ती जो है ये अनस्किल्ड लेवर में आते हैं। स्किल्ड लेवर का लेवर, कैरीज, मटेरियल्स, इन सभी का जो एस्टिमेट्स होते हैं ये सारे चीज़ें जो है हमारे इसके अंतर्गत आता है। प्लिंथ एरिया, वह बिल्टअप एरिया कवर किया जाता है बिल्डिंग में जो कि मेजर किया जाता है एट फ्लोर लेवल ऑफ एनी स्टोरी, उसको प्लिंथ एरिया कहते हैं। वॉल एरिया, पोर्च, इंटरनल सेट लेस देन 2 मीटर स्क्वायर, डक्ट्स, लिफ्ट, स्टेयर केस रूम, मशीन रूम एक्सेट्रा आर इंक्लूड किया जाता है ये सारी चीज़ें प्लिंथ एरिया में। कैंटिलीवर पोर्च, एक्सटर्नल स्टेयर केस, टेरेस ऑफ फर्स्ट फ्लोर, एडिशनल फ्लोर फॉर सीटिंग इन असेंबली बिल्डिंग, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, ये जो एरिया होते हैं जिसको हम लोग जो है इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ये कारपेट एरिया है, ये आपका प्लिंथ एरिया है, और ये पूरा जो आपका हो गया ये आपका प्लॉट एरिया आपका हो गया। कारपेट एरिया, इट इज कवर्ड एरिया, ये वह कवर्ड एरिया होता है ऑफ यूजेबल स्पेसेस ऑफ रूम, नॉट एनी फ्लोर, ये मेजर किया जाता है बिटवीन वॉल्स टू वॉल्स विद इन द बिल्डिंग। ये जो कारपेट एरिया होता है ये सम ऑफ एक्चुअल एरिया ऑफ रूम्स वेयर यू आर कारपेट, तो वो एरिया को जो है कारपेट एरिया कहते हैं। ये जनरली जो है 50 से 60% होता है प्लिंथ एरिया का, यानी प्लिंथ एरिया जितना भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका 50 से 60% एरिया जो है हमारा कारपेट एरिया होता है। फॉलोइंग एरियाज आर इंक्लूडेड इन कारपेट एरिया, वॉल एरिया, वारांदा, कॉरिडोर एंड पैसेज, इंट्रेंस हॉल एंड पोर्चेज, स्टेयर केस एंड स्टेयर कवर, लिफ्ट शाफ्ट एंड मशीन रूम फॉर लिफ्ट, बाथरूम एंड लावट्री, किचन एंड पेंट्री, स्टोर, कैंटीन, एयर कंडीशनिंग डक्ट एंड प्लांट रूम, शाफ्ट एंड फॉर सैनिटरी पाइपिंग, स्टील्ड फ्लोर एंड गैरेज, ये सारे जो है आपके यहाँ पे आते हैं। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया ये क्लियर कवर एरिया होता है जो कि प्लेंथ एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल को लेते हैं। तो जो हमारा फ्लोर एरिया होता है एवरी स्टोरी पे वो मेजर किया जाता है अलग अलग। सेटबैक एरिया, सेटबैक एरिया जो है ये एक एक्सप्लेंड किया जाता है एज द मिनिमम ओपन स्पेस
जो रिक्वायर्ड होता है अराउंड एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर वो कहलाता है सेटबैक एरिया। म्यूनिसिपल रेगुलेशंस मेक इट मैंडेटरी फॉर अ स्पेसिफिक डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन बिल्डिंग एंड बाउंड्री ऑफ प्लॉट, है ना, प्लॉट का जो बाउंड्री है और जो हमारा बिल्डिंग बनोगे उसके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस जो है आपको एक स्पेसिफिक डिस्टेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा। ऑन विच द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन इन ऑर्डर टू कीप इट अवे फ्रॉम रोड्स वाटर बॉडीज और अदर बिल्डिंग्स। सर्कुलेशन एरिया, एरिया डैट इज हेल्पफुल इन मूवमेंट ऑफ पीपल थ्रू अराउंड एंड बिटवीन बिल्डिंग्स अदर पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग इन्वायरमेंट्स, वो हमारा सर्कुलेशन एरिया होता है। सर्कुलेशन एरिया जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है हमारा प्लिंथ एरिया माइनस कारपेट एरिया के। जैसे लॉबीज हो गया, कॉरिडोर्स हो गया, स्टेयर्स हो गया, लिफ्ट हो गया, लैंडिंग्स हो गए, ये सारे आपके सर्कुलेशन एरिया के अंतर्गत आता है। प्रीमियम एंड रिबेट, प्रीमियम एंड रिबेट, तो जो टेंडर्ड हो का जो परसेंटेज होता है रेट एवं नोटिफाइड रेट्स उसको जो है प्रीमियम कहते हैं। वाइल द टेंडर रेट बिलो द नोटिफाइड रेट्स उसको जो है रिबेट कहा जाता है। बार बेंडिंग शेड्यूल, ये एक चार्ट होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि शेप एंड डायमेंशन रेनफोर्समेंट बार का क्या होगा, कितने नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड होंगे फॉर पार्टिकुलर जॉब्स के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए, तो हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल होता है। सनराइज, सनराइज जो होता है ये डिफाइन किया जाता है एज द प्रोविजंस जो बनाया जाता है रेट एनालिसिस के दौरान, ताकि जो कॉस्ट ऑफ टी एंड पी है या वेरियस आइटम्स है वो हमारा लिया जा सके एंड नोट इम्पॉर्टेंट इनफ टू बी मेंशन्ड इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन्ड नहीं करते हैं। डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग क्या होता है, ये ऐसा टर्म होता है जो कि अप्लाई किया जाता है जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर्स को बिना डैमेज किए हुए या उस आर्टिकल को बिना रिमूव किए हुए हम लोग केयरफुली उस चीज़ को ड्रॉन अप किया जाए या टेकअप किया जाए केयरफुली, तो उसको हम लोग जो है डिसमेंटलिंग कहते हैं। डेमोलिशन, डेमोलिशन जो टर्म होता है ये जब हम लोग लेते हैं तो उसमें किसी भी स्ट्रक्चर को साइट पे पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, तो वो हमारा डेमोलिशंस आता है। ओवरहेड कॉस्ट, इन केस ऑफ लेबर कॉस्ट प्रोविजंस होता है कि 21.5% हैज़ बीन एडेड इन द सैंक्शन शेड्यूल ऑफ रेट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। ये जो इसलिए ओवरहेड चार्ज लिया जाता है ताकि अगर किसी तरीके का लॉसेज वगैरह हो रहा है तो उसको जो है कवर अप किया जा सके। जनरली जब हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं तो हम लोग 10-15% जो है ये एक्स्ट्रा जो भी टोटल कॉस्ट होता है हमारा, है ना, जो भी टोटल कॉस्ट होता है उस टोटल कॉस्ट में हम लोग जो है ये लेकर चलते हैं 10-15%। दिस इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग आइटम्स, जैसे हंटिंग एंड वाटर फैसिलिटी फॉर लेबर 1.5%, है ना, 1-1.5% लेकर चलते हैं, 1-1.5। जमींदार्स यानी मेट्स कमीशन 6%, टी एंड पी ऑफ वर्क 1.5%, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इनकन्वीनियंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स 2.5%, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट्स 10%। तो इस तरीके से टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो है 21.5% आपका हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन को, बाकी अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।